नमस्कार दोस्तों, आज मैं कॉइन्स एजुकेशन का वो सच दिखाने वाला हूँ कौन से नोट किस प्रकार बिकते हैं। दोस्तों आज मैं नोटों के बारे में दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो एक ये नोट है मेरे पास हाथ में, आपको मैं ये नोट नज़र आ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो इसका, अगर इस साइड से देखते हो इस साइड से देखते हो तो इस प्रकार का है। दोस्तों इसका प्राइस यहाँ पे लिखा होगा, दोस्तों आपको पता है प्राइस किस प्रकार से। आगे भी एक और नोट दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये एक और नोट है इसके सामने। अब ये 500 का जो है इसका आप देख सकते हो, इसका भी 100 रुपये प्राइज़ है। और दोस्तों आपके सामने एक और नोट है, ये देख सकते हो इसके पीछे की तरफ देख सकते हो, तो इस प्रकार का फोटो होना चाहिए। ये देख सकते हो दोस्तों ये बैंक ऑफ कोलकाता का है, 150 रुपये इसका प्राइज़ है। आगे भी दिखाता हूँ दोस्तों एक और नोट, ये देखिए दोस्तों 10 रुपये का एक नोट है, बैंक इंडोनेशिया का जो नोट है, इसका भी 100 रुपये का प्राइस है। देख सकते हो अगर ऐसा किसी के पास है तो आप आके सेल कर सकते हो। आगे भी और नोट दोस्तों, ये नोट देख सकते हो, इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ इसका प्राइस कितना है। तो इसका प्राइस आप देख सकते हो स्टॉल दो दिल्ली के कॉइन्स एग्जीबिशन का जो है वहीं पर मैं आपको प्राइस वगैरह दिखा रहा हूँ। दोस्तों एक और 2000 का आ जाता है, 2000 जो बैंक्विज डू टू क्विज का नाम से है, ये देख सकते हो इसका प्राइस भी आपके सामने है। दोस्तों आपके सामने नज़र ही आ रहा है, ये 50 रुपये का है। इसको इस साइड से देखते हैं दोस्तों, तो इसका प्राइस देखते हैं तो 60 रुपये लिखा होगा दोस्तों, आपको नज़र आ रहा है। अगर किसी के पास है तो इसका प्राइस ये मिलने वाला है। सकते हो एक और नोट हमारे हाथ में है, ये एक और नोट आपको कितने प्राइस का हो सकता है आपको दिखाता हूँ। इस साइड से देखिएगा दोस्तों, ये आपको दिख रहा है इसका कितना प्राइस है आपको नज़र के आ रहा है। दोस्तों ये 40 रुपये प्राइस का ये नोट है। तो चलो आगे भी और नोट दिखाता हूँ दोस्तों आपके सामने एक और नोट सामने आ जाता है, इसका प्राइस है 80 रुपये। ये देख सकते हो इस प्रकार से, अगर किसी के पास नोट वगैरह है तो, अगर कलेक्शन कर रहा है तो आप देख सकते हो इसका प्राइस 80 रुपये आपको स्टॉल में मिलने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों ये 1000 रुपये का है, इसको इस साइड से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये 100 रुपये का इसका प्राइस है, 1000 रुपये वाले का जो है बोलिविजियम है, कुछ 1000 मिल का है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का नोट आपके पास में है तो आपको एग्जीबिशन के अंदर मिलने वाले हैं 100 रुपये। ये देख सकते हो दोस्तों आपके सामने एक और नोट ला के आया हूँ। तो इस नोट का आप सोच रहे होंगे कि लाखों में प्राइज़ मिलेगा या कितना मिलेगा, तो दोस्तों आप देखिए इसका प्राइस है 150 रुपये। अगर ऐसा आपके पास है, बैंक ऑफ कोरिया का ये पुराना जो नोट है, बैंक ऑफ कोरिया का, इसका 150 रुपये प्राइज लगने मिलने वाला है। तो 10 रुपये का एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो दोस्तों आपने देखा हो पाकिस्तान के जो है उनका ये नोट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये नोट है। तो इस नोट का प्राइस 10 रुपये का ये नोट है, तो इसका 60 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हो पाकिस्तान जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, पाकिस्तान देश है, उसका ये नोट है, इसका 60 रुपये आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हो एक ये रूबल रसिया नोट है, रूबल है रसिया का, तो इसका प्राइस ये 100 रुपये है। तो इसका प्राइस अगर जानना चाहते हो तो इसका आपको कॉइन्स एजुकेशन में 250 रुपये मिलने वाले हैं, यानी 250 रुपये। ये रशियन कॉइन नोट है। तो ये है नेपाल रेस्ट बैंक, ये देखिए ये नेपाल वाला राष्ट्रीय बैंक है, जो नेपाल का राष्ट्रीय बैंक, उसका 30 रुपये प्राइज आपको मिलने वाला है। दोस्तों एक और नोट आपके सामने है अभी स्क्रीन के ऊपर, अब सोच रहे होंगे इसका कितना प्राइस है, तो आपको इसका प्राइस भी बता देता हूँ। आप देख सकते हो 75 रुपये है इसका प्राइस। तो ये है यूनियन ऑफ बर्मा बैंक। दोस्तों एक और ये जो है कंट्री ऑफ कॉन्गो का जो है, इसका प्राइस आप देख सकते हो 40 रुपये इसका प्राइस है। ये नोट आप देख सकते हो, ये नोट भी 40 रुपये में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। दोस्तों देखा होगा कि कौन से नोट का कितना प्राइस मिलता है, तो आपको वही चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 2000 का है कोलकाता जो है, इधर से देख सकते हो इसका भी प्राइस देख सकते हो आपके सामने है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों एक 20 का जो है नोट आपके सामने नज़र आ रहा है, अब इसकी प्राइस जानना चाहते हो तो प्राइस इसका देखिए 20, 60 रुपये लिखा है, ये देख सकते हो दोस्तों। मणमुंड को लिखा रही तो दोस्तों ये देख सकते हो एक और नोट आपके सामने है, इस नोट का प्राइस देख सकते हो 90 रुपये का आपको प्राइस मिलने वाला है। ये 90 रुपये का नोट है, जो 100 रुपये का नोट आपको 90 रुपये में कहीं भी एजुकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसका भी 90 रुपये प्राइस है, 90 रुपये में ये नोट भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। कहीं पर भी एजुकेशन में जाते हो तो 90 रुपये इस नोट की प्राइस आपको मिल ही जाएगी। आगे नोट दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये एक और नोट है, तो ये भी नोट आपको इसका प्राइस देखिए 50 रुपये में ये नोट मिल जाएगा। 100 रुपये का नोट है तो 50 रुपये में ये नोट मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों 9000 का जो है, इसका 150 रुपये में ये नोट मिल जाएगा, यानी 150 रुपये में 9000 का जो है वो नोट आपको 150 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों।
हाँ ये देखिए दोस्तों, 1 दिनार जो है, 1 दिनार का कितना प्राइज है आपको पता है दोस्तों, 80 रुपये इस 1 दिनार का प्राइज है। तो अगर किसी के पास है तो वो भी स्टॉल्स में आके बेच सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देख सकते हो, ये देखिए 10 रुपये का जो नोट है उसका भी 80 रुपये प्राइज है जो अंगोली का है। तो आप देख सकते हो, अगर किसी के पास भी ऐसा नोट वगैरह है तो आप इसको भी बेच सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 1000 रुपये का जो है रुपया है तो इसका 60 रुपये प्राइज है दोस्तों। आप देख सकते हो इसका भी प्राइज दोस्तों, आपने वैसे देखा होगा लाखों रुपए का प्राइज देखा होगा, 1000 रुपये के, करोड़ों रुपए के देखे होंगे, लेकिन आज जो रियल कीमत है वही दिखा रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, ये एक और नोट आ जाता है, ये 50,000 का जो नोट है। अब ये देखिए दोस्तों, इसका प्राइस देखिए ओनली 400 रुपये है। तो दोस्तों ऐसे भ्रम मत आइए कि आपको लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन शुल्क पे लोगों को ठगा जाता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, 100 रुपये का एक नोट आपको नज़र आ रहा है, 100 रुपये का जो है, इसको इस साइड से देखते हैं तो 80 रुपये इसका प्राइस है, और 80 रुपये में ये आपको कहीं भी किसी भी स्टॉल्स में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है। आगे भी ये देखिए, एक और नोट 100 रुपये का है, इसका प्राइस जानना चाहते हो तो इसका 60 रुपये प्राइस है, प्राइस इसके कोने में लिखा हुआ है। तो हर एक एग्जीबिशन या कोइंस एग्जीबिशन में आपको इसका प्राइस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक और नोट दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही एंटिक नोट दिखा रहा हूँ दोस्तों, आज देखते रहिए। ये 5000 का नोट है, इसका 100 रुपये में ये कहीं पर भी आपको किसी भी एग्जीबिशन में मिल जाएगा दोस्तों। आगे भी दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक और नोट है 50 का, इसका भी प्राइस आपको मिल ही जाएगा। देखिए प्राइस इसका है तो 70 रुपये इसका प्राइस है, तो ये भी आपको मिल जाएगा दोस्तों किसी भी एग्जीबिशन के अंदर या कहीं पे भी। अगर आपके पास में भी ऐसे नोट वगैरह है जो आपको दिखाई दे रहा है, 100 रुपये का नोट है, 80 रुपये इसका प्राइस है, अगर ऐसे नोट आपके पास भी है तो आपको ये भी नोट मिल जाएंगे 80 रुपये में। ये देखिए दोस्तों, ये है 50,000 वाला, 100 रुपये के अंदर ये नोट मिल जाएगा, 50,000 का ये नोट है। तो इसका प्राइस जान देख लीजिए दोस्तों, 100 रुपये का इसका प्राइस है दोस्तों। कुछ कॉइन्स दिखा देता हूँ, ये कॉइन्स देखिए, सऊदी अरबिया का कॉइन्स है, सऊदी अरबिया का कॉइन्स है, 40 रुपये का सऊदी अरबिया का कॉइन्स है, इसका प्राइस 40 रुपये है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को कॉइन्स के नाम पे ठगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो प्राइस क्या है, तो सऊदी अरबिया का 40 रुपये है। आगे भी एक और कॉइन्स दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो यूरो का कॉइन्स है, ये यूरो का कॉइन्स है 10 पैसे का, तो इसका भी 40 रुपये प्राइस है दोस्तों। तो इस साइड से दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए इस साइड से तो आपको नज़र ही आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो ऐसे कॉइन्स वगैरह है तो आपको यही प्राइस मिलने वाली है। ये यूरो का कॉइन्स आपने देख लिया, तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए स्विट्जरलैंड का कॉइन्स है, तो स्विट्जरलैंड वाले कॉइन्स का प्राइस देखिएगा दोस्तों, 100 रुपये इसका प्राइस है। पीछे की तरफ से देखिए दोस्तों, इसके पीछे की तरफ इस प्रकार का चित्र बना होगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं, तो दोस्तों ये देखिए, इस कॉइन का प्राइस 60 रुपये है दोस्तों, आप देख सकते हो। इस साइड से पलटता हूँ तो दोस्तों, इस कॉइन्स के ऊपर इस प्रकार से चित्र बना है। तो अगर आपके पास में ऐसा कॉइन्स वगैरह है तो आप दोस्तों डेफिनेटली इस प्राइस में बेच सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं, फिलीपींस का ये नोट सिक्का है, फिलीपींस के सिक्के का जो 5 रुपये का सिक्का था फिलीपींस का, उसका प्राइस है 50 रुपये। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपको फिर से मैं अगर उस साइड से दिखाता हूँ, सॉरी दोस्तों, 90 रुपये इसका प्राइस है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आगे भी मैं और दिखाता हूँ दोस्तों, और भी सिक्के वगैरह दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, इस्टोनिया का सिक्का है 10 पैसे का, तो 10 पैसे वाले का 70 रुपये इसके प्राइस है। तो अगर किसी के पास ऐसे पुराने और विदेशी सिक्के वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आके आप अच्छी कीमत में बेच सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया का एक कॉइन्स आपके सामने नज़र आ रहा है, 5 पैसे वाला, इसका प्राइस है 30 रुपये। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रोहित भाई हमें आज ये क्यों दिखा रहा है, तो दोस्तों आज ये सोच रहे होंगे कि रोहित भाई आज हमें दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन से ये नोट वगैरह एवं सिक्के वगैरह क्यों दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इनका दिखाना इसलिए ज़रूर था क्योंकि आप ही की डिमांड थी कि किस प्रकार से इनका लाखों में रुपए में प्राइज मिलता है, करोड़ों रुपए में प्राइज मिलता है, लेकिन आज आपके सामने में लेके आया हूँ इनका जो वास्तविक प्राइज है वो एग्जीबिशन के अंदर किस प्रकार मिलता है और क्या हकीकत होती है और कौन से कॉइन्स या कौन से नोट किस प्रकार बिके जाते हैं या इनकी प्राइज क्या होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टॉल के अंदर, यहाँ पर कॉइन्स एग्जीबिशन का 3रा दिन है, तो वास्तविकता प्राइज आपके सामने है दोस्तों। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट सेशन में ये भी कर बताना कि अगर आपके पास में ऐसे नोट वगैरह है या कोई आपसे लाखों रुपए के देने के दावे कर रहा है या आपसे रजिस्ट्रेशन की शुल्क मांग रहा है, RBI लेटर मांग रहा है, तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, RBI लेटर वाले और लाखों रुपये करोड़ों रुपये देने वाले वो सब फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की ओर।